ओके okay, स्टूडेंट्स ये टास्क चेक करते हैं इनकी पैन रिक्वायरमेंट सिक्स पॉइंट फाइव है बट इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया और वर्ड्स वगैरह तो आपको सारे प्रॉपरली मेंशन करने हैं सारी डिटेल्स मेंशन करनी है जब भी आप अपना टॉपिक सेंड करोगे चेकिंग के लिए प्लस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे एटलीस्ट टेन फिफ्टीन मिनट्स लगते हैं एक टॉपिक चेक करने में प्लस ये फोर फाइव जी बी का येस जी बी की वीडियो बन जाती है तो मुझे इसको अपलोड करने में टाइम लगता है थोड़ा नेटवर्क इशू और मुझे इंटरनेट से ही क्लासेस लगानी होती हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखो मैं धीरे धीरे सबके टास्क चेक करके अपलोड कर दूँगी ओके okay? और अगर आपको पता नहीं है कि सेंड कैसे करने हैं कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे और आपको स्कोर मिलेगी चेकिंग होएगा टास्क आपका फ्री में ये देखते हैं इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट किस पलिंग ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग एंड देयर लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस आर डिक्रीजिंग ठीक है वेट इंक्रीज हो रहा है फिटनेस लेवल डिक्रीज हो रहा है वट डू यू थिंक द काज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड वट वे शुड कुड भी टिक शुड भी लगा दिया कुड भी लगा दिया दोनों कैसे लगा दिए अभी आपने दोनों में से एक लगेंगे ओके okay, ये कह रहे हैं कि वेट इंक्रीज हो रहा है और फिटनेस ड्रीज हो रही है मेन पूछा क्या है उन्होंने वट डू यू थिंक दॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम काजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो कॉजेज क्या रीजन है इस प्रॉब्लम के मे बी स्टूडेंट इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती हैं वो लिख दें ये चांसेस हैं स्टूडेंट करते हैं ध्यान से इस चीज़ को रीड करना होता है कि उन्होंने आपसे पूछा क्या है मेन रीज़न क्या है मतलब ये रीज़न सोल्यूशन ऐसे है रीज़न एंड हाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है रीज़न सोल्यूशन ऐसे है ये ये साइड पे लिख लिया करो ताकि आपको कोई टास्क रिस्पॉन्स में लिखते हुए कोई गड़बड़ ना हो जाए ओके इन कंटेम्प्रेरी एरा ऑबी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स एट वर्क वर्ल्ड वाइड देखो प्रॉब्लम की स्पेलिंग रॉन्ग है और प्रॉब्लम्स आएगा जब हमने वन ऑफ करके करना होता है ना तो यहाँ पे प्लूरल आता है हम बात एक ही कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे आएगा प्लूरल ओके इन मैनी नेशंस द नॉर्मल वेट की स्पेलिंग रॉन्ग है और पीपल इज बूमिंग एंड देयर हेल्थ एंड फिटनेस आर आर के बाद क्या लिखा है आई डोंट नो क्या वर्ड का दिस एसे नॉट ओनली विल नॉट ओनली हाईलाइट द रीजंस ऑफ दैट इशू बट आल्सो सम ट्रिक्स ऑफ नहीं आएगा ऑफ रिजोल्विंग या फिर टू तो रिजोल्व आएगा दिस फिनिना फिनमिना विल आल्सो बी भी इंक्लूडेड वो पूरा कम्प्लीट करो देखो मैं आपको बता दूँ जहाँ पर आपका कुछ भी ऑफ इन ऑन कोई भी प्रपोजिशन वगैरह आ गई तो आपका उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आई एन जी आएगा ओके okay? ये मैंने प्लस किया हुआ है प्लस आई एन जी यहाँ पर आई एन जी आएगा अगर आपने ऑफ लगाया है. टू में नाइन्टी नाइन परसेंट चांस होता है कि आपका आई एन जी नहीं आता तो टू लगाया हो तो आई एन जी नहीं आएगा अगर वर्ब लगी है तो अगर कोई और प्रेपोजिशन लगाया है तो आई एन जी आएगा टू कमेंसिंग विद नो टू कमेंस विद द फर्स्ट रीजन ऑफ अ बीस इज डवेलर्स नहीं द फर्स्ट रीजन ऑफ अ इंक्रीमेंट इन नो ऐसे है ना इज डवेलर्स आर वॉन्ट टू लिव लग्जरियस लाइफ एंड लाइफ स्टाइल ओके आर नहीं आएगा वॉन्ट टू लिव लक्ज एंड लाइफ स्टाइल हाफ ऊपर हाफ नीचे नहीं लिखना इकट्ठा लिखना है लाइफ स्टाइल एक ही वर्ड है स्पेस नहीं आएगा डिस्पाइट प्लेइंग आउटडोर गेम्स मैनी पीपल वॉचिंग टेलीविजन गेम्स एंड सर्फिंग सोशल साइट्स एट देयर होम देखो डिस्पाइट मतलब बावजूद आउटडोर गेम खेलने के बावजूद नो इन ऑफ आएगा यहां पे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय कौमा मैनी पीपल वॉचिंग देख रहे हैं नो no, देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, पीपल वॉच टेलीविजन प्ले गेम्स एंड सर्फ, यहाँ पे कौन सी गेम्स आ गई भी इंडोर गेम्स बोलो ना क्योंकि पहले आपने बोला गेम्स नहीं करते जहाँ पे गेम्स का आपने मैंशन नहीं किया इंडोर गेम्स आ गई एंड सर्फिंग आई एन जी नहीं आएगा सोशल साइट एट द होम मोर ओवर बट ये क्या है तो इसकी वजह से उनको ये इश्यूज इंक्रीज और इसको कंप्लीट करो ना मोर ओवर नाव डेज मैनी चिल्ड्रन चिल्ड्रन की स्पेलिंग रॉन्ग है आर आर यूजिंग स्मार्टफोन टेबलेट्स एंड टेक्नोलॉजी केजेट्स फॉर स्टडिंग फॉर सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर ब्लूनिंग इन देयर बॉडी ओके आपने ओवर वेट एक्सटेक्ट्रा ओके देखो चिल्ड्रन के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए यहाँ पे आपके वेट के स्पेलिंग रॉन्ग हुए थे उसके बाद ये लग्जरियस के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए उसके बाद चिल्ड्रन के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए हेल्थ के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए ओवरवेट के रोंग हो गए बट वेट का बार बार क्या कट करना ऐसे मत लिखा करो एंड कर दो तो. फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओके या वैसे चलो ठीक है फोर्टी सिक्स परसेंट पीपल है अर्ली एज बट किसकी वजह से है वो तो बताओ ना आपका ये मिस हो गया रीजन क्या है जो भी रीजन आप बता रहे हो उसको वो जस्टिफाई करो ना देखो वैसे आपको दो रीजन देते हैं कि एक की हेल्थ वेट uh, कैसे इंक्रीज हो रहा है राइट right? दो चीज़ें बोलिए ना एवरेज एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है फिटनेस कम हो रही है कनेक्ट करके बोलो वो भी चलेगा अलग अलग बोलो वो भी चलेगा लेकिन आपने यहाँ पे मोर ओवर कर दिया मतलब आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये ये मुझे इससे कनेक्टेड ही लग रहा है मोर ओवर मत नहीं किया करो मोर ओवर इन अडिशन अपार्ट फ्रॉम दिस तभी किया करो जब आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना हो तो फर्दर मोर फर्दर मोर नहीं आएगा uh, यहाँ पे डिस्पाइट द प्रॉब्लम दिस डिस्पाइट द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम कॉमा सम सोल्यूशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू इरेडिकेट दिस इश्यू ऐसे करके डिस्पाइट वाला स्ट्रक्चर लग जाना था द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ अबिस्टी इज टू सोल्यूशन टू रिड्यूस अबिसी इज टू ऐसी आएगा Is people always doing some exercise and give every day five to ten minutes for their health? देखो doing नहीं है always first form आएगी always do करना चाहिए ना uh, they people should always करना चाहिए। Absolution में suggestion दे रहे हो तो should करो five uh, some some सम पर्टिकुलर टाइम फाइव टू टेन मिनट्स लिखने की जी नहीं है कुछ टाइम उनको डिवोट करना चाहिए इफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के स्पेलिंग रोंग हो गए यहाँ पे एन नहीं आ रहा आपके फाइव स्पेलिंग तो यहीं पे रोंग हो गए तो मैं आपका हाफ बैंड डिडक्ट करने वाली हूँ अप सम जिम्स एंड क्या लिखा है आ आपने पार्क फॉर वॉकिंग एट एवरी लिटल डिस्टेंस सो इफ अगर इफ लिखा है तो सो करके नहीं आएगा कम आएगा ऑल पीपल वुड बी एनकरेज

सजेशन दे रहे हो शुड पुट सम समिकू देर चिल्ड्रन फॉर टू नहीं आएगा ओन आएगा फॉर यूजिंग टेक्निकल गैजेट सच एज दे गिव स्मार्टफोन टू देर चिल्ड्रन मिनिमम टाइम रैदर दैन थ्री टू फोर आवर्स एज ए रिजल्ट कॉमा चिल्ड्रन आईज़ बच्चों की वुड सेफ वुड बी सेफ फ्राम ऑप्टिकल नंबर ओके रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए मिनीम टाइम देना चाहिए टू देर चिल्ड्रन फोर मिनिमल टाइम आएगा कम से कम टाइम के लिए ओके टू कंक्लूड विथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल की स्पेलिंग रॉन्ग है बोथ टू कंक्लूड विथ ना आएगा टू कंक्लूड सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स बोथ आर ये क्या लिखे है पॉसिबल ओके आपका कुछ भी क्लियर नहीं हो है प्रिंटिंग ऐसे कुछ फॉर हेल्दी लाइफ स्पेस नहीं आना हेल्दी लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हेल्दी थोड़ा ना गवर्नमेंट के स्पेलिंग रोंग होंगे कैन ऑल्सो एनकरेज टू पीपल फॉर बेटर हेल्थ देखो आपके एक यहाँ पे भी रोंग हो गए थे तो सिक्स स्पेलिंग तो भी हो गए राइट right? उसके अलावा चलो ठीक है आपने एक्सप्रेस करने की कोशिश की बट विल वु शुड मॉडल वर्ब का बहुत इशू हो रहा है आपका अगर स्टूडेंट आपको अभी ये मॉडल वर्ब्स में गड़बड़ होती है नो no वरीज मैंने उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको उसका क्लियरिटी मिल जाएगी किसमें क्या यूज़ करना है बट यहाँ पर देखें नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर लगाया है एक स्ट्रक्चर लगाया आपने ओके okay, उसके अलावा एक स्ट्रक्चर लगाया वो रॉन्ग हो गया डिस्पाइट वाला इसका कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हुई दो ही स्ट्रक्चर लगाए हैं बस आपने आपने आई नो मैंने पिछली जो भी वीडियोस देखी हैं उनके मैंने अच्छे स्कोर दिए हैं चाहे उनके स्ट्रक्चर्स का मेंबर बट देखो ना उनकी स्पेलिंग्स भी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई है ही नहीं और ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं हैं वो देखो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं उसके बीच में कुछ वर्ड्स मैंने बताए वो आपने ऐड कर अपने uh, ये रोंग किया है ऊपर से अपने स्पेलिंग्स एक स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं इन मिस्टेक्स की वजह से मैं आपको फाइव पॉइंट फाइव दे रही हूँ और स्टूडेंट अगर आप भी प्रूफ रीडिंग नहीं करके सेंड कर रहे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो हाफ बैंड में डिडक्ट करूंगी मैं पहले बता दूँ तो फाइनल में भी वैसे ऐसा ही होएगा बिकॉज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है अगर ऐसे आपके सिक्स आ सकते हैं अगर आप ये सिली सिली मिस्टेक ना करो बिकॉज टास्क रिस्पॉन्स आपका ठीक है सिक्स के लिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की नीड नहीं होती बट आपको ये ग्रामर की मिस्टेक्स भी नहीं करनी है खासकर स्पेलिंग अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना होती फिर भी मैं चलो सिक्स के पास ऐसा चांस ऐसा हो सकता है सिक्स तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो गए इवन आपने इंट्रोडक्शन में ही दो गड़बड़ कर दी इंट्रोडक्शन बोल रही हूँ सॉरी ये स्टेटमेंट में ही इसके स्पेलिंग रॉन्ग कैसे हो गए भी ई नहीं लिखा और यहाँ पर शुड कुड इकट्ठा लगा दिया ये गड़बड़ मत कर लो और स्पेलिंग पे फोकस किया करो और एग्जाम्पल आपकी वो रिलेट नहीं कर रही तो इसके कारण ही मैं फाइव पॉइंट फाइव दे रही हूँ खासकर स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण स्पेलिंग्स ठीक कर लो अपने और स्पेलिंग्स uh, ठीक कर लो और सिली सिली जो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो वो सिक्स आ जाएंगे आपके सिक्स पॉइंट फाइव चाहिए तो फोर फाइव तो कॉम्प्लेक्स यूज करो जैसे uh, दो ही यूज हुए भी आपके तो ट्राई करो कि जो मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियोज़ प्रपेयर किए हैं वो देख लो उसके बाद फाइव सिक्स कम्पलेक्स आपके तो यूज़ हो ही जाएंगे नहीं तो जो मेरी ब्रेन स्ट्रामिंग वाली वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने डिफरेंट टास्क रीड डिफरेंट टास्क आपको डिस्कस uh, किए हुए हैं वहाँ पे वो क्या है बताइए या फिर उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताया कि कौन से टॉपिक में कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग सकता है तो उसके चक्कर में आप वो देख सकते हो वो रीड कर सकते हो आपको थोड़े से आइडियाज़ मिल जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करने हैं वो पता चल जाएगा या जा फिर मैंने जो स्पेशल इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन में ही इम्प्रेस करने के लिए लगा सकते हो तो वो भी देख सकते तो हो तो होप आपके ये गड़बड़ ना हो तो आपके सिक्स पॉइंट तक आ जाएंगे लेकिन आपको इम्प्रूव करने की नीड है खासकर स्पेलिंग उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर फोकस करना है इस सीक्वेंस में ही करना सबसे पहले स्पेलिंग फिर ग्रामेटिकल एरर्स जो हो रही हैं और फिर आपके वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर ओके बाय